इवेंट अभी ये चूजों ने कितना शोर मचाया हुआ है। ये भी सुबह सुबह का टाइम है और इनको भी बाहर निकालते हैं। देखिए आज तो मुझे बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हैं ये। देखिए ये कबूतरों को भी हम बाहर निकालते हैं, यहाँ से खोलेगा। हेलो हेलो, इनका रास्ता नहीं समझ आ रहा, इनके लिए दरवाजा ही खोल देते हैं। अरे भैया अरे 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 यहाँ पे ये हमारे प्यारे कबूतर, इनको हमने पैक किया हुआ ताकि इनको ठंड ना लग जाए। देखिए पैक करने का मकसद के ठंड ना लग जाए। ये देखिए ये लका कबूतर इतना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। और ये सारे हमारे दोस्त जितने भी हैं, और वो आपको एक अंडे पे बैठा है और एक यहाँ पे अंडे पे बैठा हुआ है। देखिए ये बाजरा पड़ा हुआ है, अभी ये दूसरे कबूतरों कबूतर कह रहे दूसरे हमारे जानवर जो हैं उनको डालता हूँ। चलो जी आ जाओ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मच्छर आते जो परिंदे आते हैं, हमने उनके लिए ये बाजरा रखा हुआ है, अभी उनको ये डालते हैं इनके नाली के अंदर। और भाई तुम्हें क्या हो गया, शोर क्यों कर रहे हो, क्या हुआ है? ये देखिए हमारी वाइट मुर्गियाँ कितनी प्यारी हैं, ये देखे वाओ। और वो कबूतर बैठा हुआ है, देखिए जंगली कबूतर बैठा हुआ है, कह रहा है हमें दाना डालो हमने खाना है। और पीछे हो जाओ यार। Flashing lights dance with fire in the night, I'm wired. Watch the time pass us by, is this feeling lying? Could you pass the lighter? Yeah, I'm trying to keep my cool. Nicotine in my veins, flaming up to size. What am I supposed to do? Cause it feels so good. Feeling wild like a zoo, put me in a mood. मौसम तो चेक करें आप, कितनी सर्दी हो रही है अभी। मुझे तो बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है, ये देख सकते हैं आप, फॉग आ गई है जी। अब मुंह से धुआं निकला करेगा, सर्दियां भी आ गई हैं और ये बच्चे स्कूल के लिए जा रहे हैं। अभी मैंने भी स्कूल जाना है, लेकिन मैंने कहा कि अपने फ्रेंड के साथ थोड़ी सी वीडियो ही बना लूं। वो देखिए फ्रेंड्स, मुर्गियां दाना खा रही हैं और ये चूजे साहब भी दाना खा रहे हैं, वो गन में जाके खेल रहे हैं। इंजॉय कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, सर्दी भी लग रही है इनके साथ, लेकिन इंजॉय भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ये लोग। फ्रेंड्स ये लोग नहीं है, जानवर बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, लोग नहीं चूजे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। भैया आप कहाँ से आए हो वाइट? तो गाइस ये देखिए ये हमारे कबूतर, अभी हम इनको बाहर छोड़ने लगे हैं। ये जो हमारी दूसरी कबूतरी थी ना, ये इसने दो दिखाना, वो बैठी जो ये बैठी हुई है, इसने ना दो अंडे दिए थे, ये इसका एक अंडा ना पता नहीं टूट गया, पता नहीं कैसे टूट गया। तो अभी ये देखे चूंगे मारे, अभी घर के पास भी नहीं आने दे रही, अभी इनको हम बड़े निकालते हैं। आजो आजो आजो, ये देखे ये बैठी हुई है ये अपने अंडे पे। एक अंडा तो इसका टूट गया था, पता नहीं कैसे टूटा, हमें तो समझ नहीं आई। दो अंडे थे इसके, अब एक अंडे रह गया। और ये दूसरी साइड पे दूसरी कबूतरी बैठी है, इसके माशाल्लाह दोनों अंडे भी ठीक हैं।
और ये टाइम भी सही देती है, ऊपर से उठती नहीं है, निकलती नहीं, बाहर ही नहीं आती। ये देखें माशाल्लाह, और ये वाइट, वो ब्लैक और ये वाइट, ये देखें दोनों अपने अपने अंडों पे अपने घर में बैठी हुई थी। स्कूल का टाइम हो गया, अभी जल्दी जल्दी से मैं स्कूल चलता हूँ। बाय बाय, आके मिलेंगे आप। तो गाइस अभी मैं स्कूल से आ गया था, तो मेरी ना आँख लग गई, नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी, थका हुआ था, तो मैं सो गया। तो उठा हूँ, फिर मैंने खाना शाना खाया, फिर मैं कैंटीन के लिए तैयार हो रहा हूँ। बात ये है कि सुबह सुबह ना सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, तो अभी सूरज निकला नहीं, अभी भी सर्दी चल रही है, ऐसे ऐसे हवाएं चल रही हैं, ठंडी ठंडी हवाएं। तो अभी अकेडमी जाना है, तो अकेडमी के रास्ते में बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। स्कूल से आए तो मैं देखा ना, बात तो ये है कि सुबह सुबह उठते हैं तो स्कूल के लिए रेडी होना होता है, स्कूल के लिए रेडी हो गया, स्कूल चले जाते हैं, स्कूल से आके जी खाना छाना खाते हैं, पता नहीं चलता ना, फिर हो जाती है अकेडमी का टाइम, अकेडमी के लिए तैयार होते हैं, अकेडमी चल जाते हैं, अकेडमी से आकर हम जी पारा पढ़ते हैं। तो आपको आप पता ही है कि दिन बहुत छोटे हो गए हैं, तो बंदे को तो खेलने का टाइम ही नहीं मिलता, आधी रात को कौन खेलेगा, आधी रात को नींद बहुत आई होती है, सुबह जल्दी उठना था इसीलिए सो जाते हैं। तो गाइस बैड न्यूज़ तो ये थी कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से छुट्टी खत्म, वापस घर। तो अभी इंटरेस्ट ही नहीं है कोई, अभी इंग्लैंड का मैच लगा हुआ था, तो अभी मुझे देखने का दिल ही नहीं कर रहा, मैं छोड़ो यार नींद आई है सो जाते हैं। मकसद ही क्या है यार, पाकिस्तान का कोई चांस ही नहीं है। पहले ये जो साउथ अफ्रीका और इंडिया का मैच था ना, ये इंडिया हार गया ना, इसी वजह से मेरा दिल टूट गया, इसी वजह से। इंडिया यार तुम लोग कुछ कर ही लेते पाकिस्तान के लिए, चलो यार कुछ नहीं होता, सो हो गया। जो अब ये पिछले वर्ल्ड कप में देखे तो सही, आप कितना अच्छा खेले हैं माशाल्लाह, ये पिछले वर्ल्ड कप में कितनी अच्छी परफॉर्मेंस की थी। तो आप बताइए क्या हुआ है, रिजवान को क्या हुआ है, शेन शप दीदी को क्या हुआ है, चलो होता रहता पार्ट ऑफ गेम। तो भाई अकेडमी से आके ना पापा जी का थोड़ा सा मक्खन शक्खन ले आएंगे, तो फिर भाई कहीं खाना खाने चले गए पापा जी के साथ, है मक्खन ले आएंगे। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं अपने पापा जी के ऑफिस में। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, क्या हाल है अहमद साहब? ठीक है पापा जी, ये क्या है भाई? ये इलेक्ट्रिसिटी के बिल हैं, पानी के बिल हैं, ऊपर से टैक्सीज हैं, तो मैं तो भाई सर पकड़ के बैठा हूँ, क्या करें। ये भी है, एक तो महंगाई इतनी ज्यादा, दूसरा ये बिलों ने जान खा ली हुई है, अब क्या करें। बस चलो गुजारा कर रहे हैं, गुजारा ऐसी ही है। फिर और सुनाओ आप? मैं भी ठीक। अकेडमी नहीं गए अभी तक? अकेडमी जाने लगे, वो बस चली हुई आ रहा था। अली भाई किधर है? वो नहा रहा था यार, देखो टाइम हो गया उनको, देखो अली भाई को आवाज दो और जाओ मेरा बेटा। अली भाई आ जाओ, लेट हो गया, वो आ नहीं रहे थे लोगों को। आ जाओ आ जाओ अली भाई, आ जाओ आ जाओ, बैठो यार, इधर गपशप लगाओ थोड़ी सी। अभी आप कैसे, टाइम हो गया एकेडमी का, लेट हो रहे भाई। जरा ये अहमद की तैयारियां जरा चेक करें, कैसे मैचिंग करके व्हाइट शूज, व्हाइट पैंट और ये व्हाइट शर्ट। एकेडमी जा रहे हो किसी शादी पे जा रहे हो? एकेडमी जा रहे हैं, हमने एकेडमी जाना है। नहीं तो ये बड़ी मैचिंग की है, व्हाइट पैंट और व्हाइट शर्ट, व्हाइट शूज, अच्छे तो लग रहे हो आप, मुझे वैसे भी अच्छे लगते हो, लेकिन ये चक्कर क्या है, एकेडमी जा रहे हो? नहीं एकेडमी जा रहे हो, किसी फैशन शो में जा रहा है ये, है अभी मैं थोड़ी देर पहले इसको देख रहा था, आईने के सामने खड़ा हो गया ना, तो बालों में जबरदस्त किस्म की ब्रश कर रहा था, कंघियां फेर रहा था, मैं कहा भाई बस अब काम बच्चा जवान हो गया, अब काम खराब ही लग रहा है मुझे, एकेडमी जाने का टाइम है और इसको देखो ये एकेडमी जाने वाली इसकी हालत है। मुझे लगता है जैसे किसी फैशन शो में जा रहा है। चलो खैर से जाओ, ध्यान से जाओ। अच्छा ये तो पूरी है, आकर कहाँ पे जाना है? वो देखेंगे, डिसाइड करेंगे, टाइम जब आएगा फिर देखेंगे कहाँ जाना है, अभी तो कोई प्लान नहीं बना मेरा। ये अली भाई की ड्रेसिंग में चेक करें, अली भाई की भी चेक करें। हाँ जी दिखाएं, अली भाई की भी चेक करा दें। ये देखे जी, मेरी तो नॉर्मल ड्रेसिंग है, फ्रेंड्स को पता ही है। नॉर्मल ये देखिए, ये पैंट मैंने कई व्लॉग्स में पहनी, ये शर्ट सर्दियों में कपड़े निकाले थे, वो शर्ट था नहीं भाई, ये फ्रेंड्स ने देखी हुई है ना। ये बाबा जी बैठे ना, इसके कहने का मतलब है मैंने तो पुराने कपड़े पहने हुए हैं, अहमद ने नहीं पहने। आप नहीं, मैंने भी तो फ्रेंड्स पुराने ही पहने हुए हैं ना, मैंने पुराने ही पहने हुए हैं। खैर साफ सुथरे होके जाना चाहिए, अच्छी बात है, नीट क्लीन होके जाना चाहिए।
ये तो अच्छी बात है, आप जहाँ जब भी बाहर जाओ, स्कूल जाओ, कहीं भी जाओ, अच्छी बात है, जाना चाहिए नीट क्लीन होके भाई, बाहर जाओ, स्कूल जाओ, कहीं भी जाओ, किसी के घर भी जाओ, इवन नमाज पढ़ने भी जाओ, पाक साफ साफ सुथरा होके जाना चाहिए, तो अच्छी बात है साफ सुथरे होके जाएं, बस साफ सुथरे होके जाना, कुछ और काम मुझे शिकायत ना आए, समझ आ गई है। पापा जी आपको एक बात हूँ मैं, जी ये अहमद जब अकेडमी जा रहे थे जाते बिस्ले बड़ी भी जाता है बहुत विस्परिंग करता है ये। किसको इसलिए दिखा रहे हो सुना रहे हो तुम भाई? नहीं मुझे तो आती नहीं है। अच्छा वो देखे चलो टाइम हो गया, मेरा भी नमाज का टाइम हो गया, फिर चलो अल्लाह हाफिज। रोज इसकी बैच होती है, सुबह स्कूल जाते हैं। ये लो बाकी सुबह का लंच किया ना, दो दिन के दिए इकट्ठे मैंने, बाकी मुझे देने हैं। चलो ध्यान से जाना, बाइक ध्यान से चलाना, ध्यान से चलाना। अल्लाह हाफिज़।